नमस्कार दोस्तों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ज्योग्राफी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का सेकंड चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो फील्ड विजिट है, मतलब आपको स्कूल वाले कहीं ट्रिप पर ले जाएंगे और उसके अनुसार आपको उस जिस भी जगह पर आपको लिया ले जाया जाएगा उसके अनुसार आपको आंसर्स लिखने हैं, इसलिए वो चैप्टर नहीं लिया। अगर फिर भी आप डाउट्स कुछ है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट्स में नीचे लिखिए, मैं अगर लगे तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे चार पांच चैप्टर्स होने के बाद, ज्योग्राफी के चार पांच चैप्टर्स होने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत भरपूर लाइक्स कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 1000 सब्सक्रिप्शंस का टारगेट है मेरा, तो प्लीज़ ये टारगेट जल्दी अचीव करने में मुझे मदद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट। फ्यू हिंट्स एंड फ्लैग्स ऑफ टू कंट्रीज आर गिवन बिलो, यूजिंग देम आइडेंटिफाई दीज टू कंट्रीज एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वन ऑफ देम एंड होप यू कैन आइडेंटिफाई अदर टू। देखिए, दो कंट्रीज के झंडे दिए हैं यहाँ पर, फ्लैग्स दिए हैं, उस झंडों से हमें पहचानना है कि वो किस देश के झंडे हैं। ये तो हमें पता है, तिरंगा है भारत का, इंडिया का। ठीक है, और ये है ब्राजील का झंडा। ठीक है, क्लू दिए है यहां पर, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, आपको पता है, जल्दी हम नंबर वन हो जाएंगे। ठीक है, चाइना को पीछे छोड़कर, चाइना नंबर वन है अभी, लेकिन आने वाले 20-30 सालों में हम फर्स्ट रैंक जल्दी कर लेंगे ऐसा लगता है। सेकेंड पॉइंट है फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। देखिए, हमारे स्पाइसेस दुनिया भर में फेमस है, इंडिया को पहचाना जाता है स्पाइसेस के लिए, तो हमारे स्पाइसेस, हमारे फूड में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, हमारा खाना इसके कारण बहुत ही टेस्टी बनता है, और इंडियन फूड दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर फूड है इंडिया में। इस कारण क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में वगैरह कुछ मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते, बहुत ही फीका खाना होता है, तो हमारा खाना जब वो खाते हैं तो उन्हें बहुत ही पसंद आता है हमारा खाना, तो इस कारण वो जब भारत में आते हैं तब बहुत ही खास करके इंडियन खाना खाते ही खाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन लोग जो है वो जब फॉरेन में जाते हैं तब उनकी बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि इंडियन लोगों को फॉरेन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, हमें इंडियन खाना ही चाहिए होता है। तो इस तरीके से इंडियन फूड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ स्पाइसेस, फेमस फॉर स्पाइसेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्रिकेट इज पॉपुलर स्पोर्ट हियर, भारत में क्रिकेट इज पॉपुलर स्पोर्ट हियर, कहते हैं ना क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन इन इंडिया, इतने दीवाने हैं क्रिकेट के, क्रिकेट इज माय रिलीजन एंड सचिन इज माय गॉड कहते हैं कई सारे लोग, अभी कहते होंगे विराट इज माय गॉड। ठीक है, तो नहीं, विराट को तो गॉड नहीं बोल सकेंगे क्योंकि वो गालियां बहुत देता है। ठीक है, तो क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर। अच्छा, ब्राजील की क्या पहचाने हैं वो देखेंगे, नोन फॉर, फेमस फॉर सांबा डांस, सांबा डांस बहुत फेमस है यहाँ पर, एक जैसे हमारे यहाँ भरतनाट्यम कुचिपुड़ी वगैरह डांसेस है, वैसे सांबा डांस जो है वो ब्राजील में बहुत फेमस है। ठीक है, अच्छा, आप यूट्यूब पर सांबा डांस डालकर देख भी सकते हैं कैसे है वो डांसेस। नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कॉफी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ भी साउथ इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में आता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में।
तो इसे कॉफी पॉट जाना जा कॉफी पॉट के नाम से जाना जाता है ब्राजील को, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर, ब्राजील में फुटबॉल के दीवाने होते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जैसे क्रिकेट के दीवाने हैं, वैसे वहां पर फुटबॉल के लिए बहुत ही ज्यादा दीवाने लोग हैं, फैन। नेक्स्ट, अभी देखते हैं भारत की तरफ। नेम ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे देश का नाम है, ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। रिपब्लिक मतलब क्या? जिस देश का राष्ट्र प्रमुख जो है वो लोगों द्वारा इलेक्टेड होता है उसे कहते हैं रिपब्लिक, चुना हुआ। जैसे हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट जिन्हें कहा जाता है, या हेड ऑफ द नेशन जिन्हें कहा जाता है, उन्हें वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है, लोग इलेक्ट करके भेजते हैं प्रेसिडेंट को। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन वो इलेक्टेड ही होता है, इसलिए हमारे देश को रिपब्लिक कहते हैं। जिन देशों में ऐसा नहीं होता, हेरिडेटरीली ट्रांसफर होता है, राजेशाही होती है जिन देशों में, फॉर एग्जाम्पल यूके में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार तो चलता है देश, प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पर इलेक्टेड, लेकिन हेड ऑफ द नेशन जो होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, वो वहां पर राजा या रानी होती है। अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इज द देयर मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा या रानी, ठीक है। तो वो जो है वो हेड ऑफ द नेशन का जो पद है वो हेरिडेटरीली ट्रांसफर होता है वहां पर इंग्लैंड में, ठीक है। तो उस उन देशों को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हमारे यहाँ पर इलेक्टेड हेड ऑफ द नेशन होता है, इसलिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य हमारे देश का ऑफिशियल नाम है। पासपोर्ट पर हमारे आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है, और नीचे हिंदी में भारत गणराज्य लिखा हुआ होता है, ठीक है। नेम ऑफ द कैपिटल, हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स ऑफ द अर्थ, इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अभी देखिए, ये समझ लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है 0° मेरिडियन, ठीक है। आपने पिछले साल पढ़ा है, हमने इंटरनेशनल डेट लाइन में हमने पढ़ा है, 0° मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच शहर इंग्लैंड में से जाती है, ठीक है, यूके में से ग्रीनविच नाम के शहर में से ये जाती है 0° मेरिडियन। तो ये इक्वेटर है, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन है कहां पर है, बोला है उन्होंने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब देखिए, ये जो है अर्थ जो है स्फेरिकल होती है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होती है। हमने साइंस में पढ़ा है कि वो ओवल शेप की होती है, लेकिन उसे यहाँ पर ज्योग्राफी में कंसिडर कीजिए कि वो स्फेरिकली होती है अप्रोक्सीमेटली। तो स्फेरिकल जो होता है, आधा स्फेयर जो होता है, उसे हेमिस्फेयर कहते हैं, हेमिस्फेयर। अगर सेमिस्फेयर कहते तो उनका कुत्ता मर जाता शायद, इसलिए उन्होंने हेमिस्फेयर कह दिया। कन्फ्यूजन हो सकता है सेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर के बीच में, लेकिन सेमिस्फेयर इज नॉट द वर्ड, हेमिस्फेयर इज द वर्ड। एच एच से यूज किया जाता है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब हाफ स्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अर्थ के कौन से स्फेयर्स है? इक्वेटर के ऊपर जो है, इक्वेटर के ऊपर जो है नॉर्थ पोल जिसमें आता है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर के नीचे जो है, जिसमें सदर्न पोल साउथ पोल आता है, जिसमें साउथ पोल आता है इक्वेटर के नीचे वाला हेमिस्फेयर, उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, ये है सदर्न हेमिस्फेयर। वैसे ही ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर भी है, देखिए ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। तो ईस्टर्न मतलब ईस्ट दिशा में, मेरिडियन के पोल्स के 0° मेरिडियन के ईस्टवर्ड्स जो होता है अर्थ का हेमिस्फेयर,
उसे कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, मेरिडियन पोल के, और 180 इसके पीछे 180 डिग्री का लाइन है, आपको पता है। मेरिडियन पोल के ईस्टवर्ड्स जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं उसे, ये इतना, ये वाला जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। और मेरिडियन के वेस्टवर्ड्स जो हेमिस्फेयर होता है उसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। लेट मी शो यू, देखिए ये है इक्वेटर, अर्थ का पास हो रहा है। इक्वेटर के लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो 0 डिग्रीज होते हैं, जैसे जैसे नॉर्थवर्ड्स जाओ वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 डिग्री नॉर्थ, तो 0 डिग्रीज जो होता है वो इक्वेटर होता है। 0 डिग्री उसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70, 80, 90 डिग्री नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पोल होता है। सबसे बड़ा डिग्री जो होता है लैटिट्यूड में वो होता है 90 डिग्रीज लैटिट्यूड्स में। वैसे ही इक्वेटर से दूर साउथ की तरफ जैसे जैसे जाओ वैसे वैसे 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ मतलब साउथ पोल होता है, ठीक है। ये हो गया 10 डिग्री साउथ, फिर 20 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री साउथ। नंबर लाइन होती है ना, जैसे 0, +1, +2, +3 और इस साइड पर -1, -2, -3, वैसे ही नंबर लाइन की तरह 0 की तरफ 0 और ये प्लस मतलब नॉर्थ वाले, माइनस मतलब साउथ वाले, ठीक है। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है लैटिट्यूड्स की वैल्यू बढ़ते जाती है, ये याद रखिए, ठीक है। और ये है प्राइम मेरिडियन, ये रहा ग्रीनविच शहर, यहां पर, यहां से वो जा रहा है, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्रीज। और ये है पिछली साइड, ये अर्थ की, ये है 180 डिग्रीज, वो पिछले साइड से ऐसे होके आ रहा है पूरा, ठीक है। ये 180 डिग्रीज है, ये 0 डिग्रीज है, तो यहां से इनके दिस साइड में ये देखिए, ये है 0 डिग्री मेरिडियन, ये है नॉर्थ पोल से पास हो रहा है और ये पिछली साइड है, ये है 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। मतलब अगर आप इमेजिन करेंगे ये 0 डिग्रीज यहां से जा रहा है ऐसे, तो 180 डिग्रीज जो है वो यहां से जा रहा है पीछे से, दो देखिए ये पोल के पास यूनाइट हो रहे हैं, इस पोल के पास यूनाइट हो रहे हैं, ये 0 डिग्रीज है और उसके सामने ये 180 डिग्रीज है पिछले साइड में, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, तो ये जो है 0 डिग्रीज मेरिडियन के ईस्टवर्ड्स जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और 0 डिग्रीज के वेस्टवर्ड्स जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो ये जो है ये 10 डिग्रीज, ये है 20 डिग्रीज, मतलब ये 10 डिग्रीज ईस्ट, ये 20 डिग्रीज ईस्ट, ये 30 डिग्रीज ईस्ट, ये 40, 50, 60, 90 डिग्रीज ईस्ट, फिर 100 डिग्रीज ईस्ट, 120 डिग्रीज ईस्ट, 150 डिग्रीज ईस्ट और 180 डिग्रीज ईस्ट। जब हाईएस्ट वैल्यू जो है लॉन्गिट्यूड्स में वो 180 डिग्रीज है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू जो है लैटिट्यूड्स में वो है 90 डिग्रीज, ठीक है। लैटिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ में होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स ईस्ट और वेस्ट में होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू दोनों की, लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की 0 होते हैं, दोनों 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू लैटिट्यूड की जो होती है वो 90 डिग्रीज होती है, 90 डिग्रीज नॉर्थ या 90 डिग्रीज साउथ, और हाईएस्ट वैल्यू लॉन्जिट्यूड्स की जो होती है वो 180 डिग्रीज ईस्ट या 180 डिग्रीज वेस्ट। 180 डिग्रीज एक ही होता है, मतलब यहां से 180 डिग्रीज जाओ ईस्टवर्ड्स तो एक ही लाइन होती है और यहां से 180 डिग्रीज जाओ वेस्टवर्ड्स तो ये यहां पर ही होती है, यही लाइन होती है, दोनों लाइंस यहां पर यूनाइट होते हैं, ठीक है, 180 डिग्रीज के। तो उसी में से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, आइडियल
हमने पिछले साल पढ़ा है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में है, ठीक है। तो इंडिया जो है, इन्होंने कहा है इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो देखिए इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, मतलब ईस्ट तरफ, मेरिडियन 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्टर्न, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है इंडिया, ठीक है, मतलब यहां पर है ईस्ट साइड में, और इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब यहां पर ये देखिए ये इंडिया है, ये जो है ये गुजरात है, ठीक है, ये श्रीलंका है, आपको समझने के लिए मैंने निकाला है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। ये कौन से हेमिस्फेयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहां पर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये दोनों जहां पर यूनाइट हो रहे हैं, देखिए ये एरिया, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये वाला, और ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो देखिए दोनों एरिया जहां पर कोइंसाइड हो रहे हैं यहां पर ईस्ट क्वार्टर में, ईस्ट क्वार्टर में इंडिया है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स ऑफ द अर्थ, इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। देखिए ये है एशिया, ये पूरा एशिया है, एशिया के साउथ में है ये इंडिया, आए मेरा भारत महान, ये रहा, तो एशिया के साउथ में है ये इंडिया, इसका मतलब ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में है, नहीं, पूरा एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है मैक्सिमम एशिया, तो उस एशिया के एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में इंडिया है, साउथ एशिया में, साउथ एशिया, पूरा एशिया इंक्लूडिंग साउथ एशिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गया, इस कारण साउथ ऑफ एशिया है वो, ठीक है, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में आ गया ऐसा मतलब नहीं होता उसका, वो नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है, बस साउथ ऑफ एशिया में है, एशिया के साउथ में है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया। एक्सटेंट मतलब कौन से लैंड लैटिट्यूड से शुरू होता है और कौन से लैटिट्यूड पर खत्म होता है, और कौन से लॉन्जिट्यूड से खत्म होता है और कौन से लॉन्जिट्यूड पर खत्म होता है, वो हमें लिखना है। मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड इंडिया मतलब ये है मेनलैंड इंडिया, उसके अलावा इंडिया कहां कहां पर है, देखिए ये है अंडमान एंड निकोबार, ये मेनलैंड इंडिया नहीं है, ये मेनलैंड इंडिया है, ये आइलैंड इंडिया है, यहां पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिर ये लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी इंडिया के है, तो उसे मत कंसिडर कीजिए ऐसा बोला है उन्होंने, फॉर अ मोमेंट लेट अस नॉट कंसिडर इट। अभी देखिए ये इंदिरा पॉइंट तो बहुत ही साउथ में है, फॉर अ मोमेंट डोंट कंसिडर इट ऐसा बोला गया है, सिर्फ मेनलैंड इंडिया से ही शुरू करना है, मतलब यहां से, ठीक है, यहां से शुरू करना है, तो देखते हैं हम। फील द डिग्री वैल्यूज इन डिग्रीज इन ब्लैंक स्पेसेस, तो देखना है हमें 8 डिग्रीज नॉर्थ, 8 डिग्रीज नॉर्थ, 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 2 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। देखिए इसे बोलते हैं सिर्फ 37 डिग्रीज 6 मिनट 7 सेकेंड्स
ऐसा बोलते हैं, इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है, गिनने का तरीका है, ये मिनट सेकंड सिर्फ बोलते हैं, इसका टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। लैटिट्यूड्स एंड बिटवीन 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स, लिख लीजिए अपने बुक में, लिख लीजिए। देखिए मैंने लिख लिए हैं, आप भी लिख सकते हैं। लैटिट्यूड्स 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्जिट्यूड्स 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। अभी इसका मतलब देखते हैं। देखिए ये रहा इंडिया, तो इक्वेटर से 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ की तरफ जाते हैं हम अगर, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप आता है, मेनलैंड इंडिया का साउथ इंडिया आता है, शुरू होता है वो, इंडिया शुरू होता है और ऊपर कंटिन्यू करता है, ये है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहां पर हिमालय है, तो ये नॉर्दर्न पीक है हमारा, तो उसका जो है लैटिट्यूड वो है 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, ये रही विड्थ इंडिया के, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। अभी देखिए उसी तरह से ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट में, तो हम जब यहां से शुरू करते हैं और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट की तरफ जाते हैं, ये है गुजरात, देखिए यहां पर शुरू हो रहा है भारत, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से इंडिया शुरू होता है और खत्म कहां होता है, 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट, इस तरीके से इस एरिया में है इंडिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही है, देखिए यहां पर 8 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली शुरू हो रहा है मेनलैंड इंडिया और ऊपर है 36 डिग्रीज, मतलब एग्जैक्ट कितना हो सकता है 37 डिग्रीज, थोड़ा ज्यादा है, 36 से थोड़ा आगे है, ये 28 है, 32 है, 36 है, चार चार से फर्क पड़ रहा है, तो ये बस एक का ही फर्क होगा, ये इतना, तो ये हो गया 37, ठीक है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में ये है 68 डिग्रीज ईस्ट, ये रहा, तो उससे थोड़ा सा आगे शुरू हो रहा है, मतलब 68 डिग्रीज 7 मिनट्स, ये 7 मिनट्स का डिस्टेंस है, 7 मिनट्स ईस्ट, ये से लेकर ये देखिए ये रहा 96 डिग्री, लेकिन यहां खत्म हो रहा है इंडिया, तो 97 डिग्रीज हो गया ये और 25 मिनट्स, 97 डिग्रीज 25 मिनट्स, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। देखिए इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट भारत का, भारत के ओनरशिप का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, उसकी क्या लोकेशन है, 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व फिगर 2.1 केयरफुली एंड द कंट्रीज एंड वॉटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। यहां पर जो टेबल दिया है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है, बस हम यहां पर देखते हैं वो मैप में कौन से है, ठीक है। देखिए यहां पर टेबल में क्या लिखा है, चार डायरेक्शंस दिए हैं, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, और ईस्ट में नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, सी कौन सा है ईस्ट में, और ईस्ट में ओशियंस कौन से है वो लिखना है।
फिर नॉर्थ में नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है भारत के, नॉर्थ के सी कौन सा है, ओशियन कौन सा है, वेस्ट के नेबरिंग कंट्रीज सीज ओशियंस, साउथ के नेबरिंग कंट्रीज सीज ओशियंस, वो हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। पहले देखना है ईस्टवर्ड्स, ईस्ट में कौन से देश है वो देखेंगे। हमारे भारत के ईस्ट में कौन से देश है, ये देखिए, ये बांग्लादेश है, ये वैसे बीच में आ रहा है लेकिन ईस्टवर्ड्स है। ठीक है, फिर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार एक है, ठीक है। फिर देखेंगे नॉर्थ वर्ड, नॉर्थ में कौन से देश है, तो देखिए अफगानिस्तान है यहां पर, देखिए ये नॉर्थ पर टच कर रहा है यहां पर, यहां से अफगानिस्तान। फिर उसके बाद आता है चाइना, ठीक है, फिर उसके बाद है नेपाल नॉर्थ में, फिर उसके बाद है भूटान। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर कोई समुंदर दिख रहा है क्या, ईस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ में कोई भी सी या ओशियन नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत के ईस्ट में कोई समुंदर है क्या वो देखते हैं, ये ईस्ट साइड है और यहां पर है बे ऑफ बंगाल, ईस्ट वर्ड्स बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउथ, साउथ में कौन से देश है, श्रीलंका, श्रीलंका के साथ हम शेयरिंग मैरिटाइम बॉर्डर ऑफ इंडिया, मतलब समुद्रिक सीमा जो है वो श्रीलंका के साथ हम शेयर करते हैं, ये रही समुद्री सीमा, ये रही, ये श्रीलंका के साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है, और दूसरा है साउथ में इंडोनेशिया, यहां पर देखिए इंडोनेशिया के साथ हम समुद्री सीमा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया का ही है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ ये हमारी समुद्री सीमा यहां पर खत्म होती है और यहां पर इनकी शुरू होती है, ये वाली इंडोनेशिया वालों की। ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ हमारी समुद्री सीमा शेयर करते हैं हम साउथ में, और श्रीलंका के साथ। ठीक है, और साउथ में कोई ओशियन है क्या, ये रहा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन है साउथ में। दुनिया का एकमात्र ओशियन ऐसा है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा है, इंडियन ओशियन, बाकी कोई भी ओशियन लीजिए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, कोई भी ओशियन का नाम देश के नाम पर लिखा नहीं गया है, सिर्फ इंडिया का नाम, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन का नाम रखा गया है, क्योंकि प्राचीन काल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस रही है इंडिया की, इंडिया को आने के लिए बहुत तरसते थे लोग, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी भारत, और अभी भी हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। कुछ साल अगर हम डिपेंडेंसी के पीरियड के छोड़ दे तो अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, वेस्ट की तरफ है ना पाकिस्तान, मतलब जो नापाक है, अपवित्र है। ठीक है, और समुंदर है अरेबियन सी, वेस्ट वर्ड समुंदर है अरेबियन सी। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको ये नोटबुक में लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम रुकते हैं, अगला पार्ट अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए, और भरपूर सब्सक्रिप्शंस दीजिए दोस्तों। 1000 सब्सक्रिप्शंस का मेरा टारगेट है, जल्दी से जल्दी मुझे पूरा करना है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है, थैंक यू।